नमस्कार, स्वतंत्र भारत में आपका स्वागत है। इस समय मैं उत्तर प्रदेश की राजधानी लखनऊ में हूँ और यहाँ का सबसे व्यस्ततम चौराहा कपूरथला पे। और आपकी जानकारी के लिए बता दूँ कि आज लखनऊ का मिजाज कुछ बदला सा है। इसके दो बड़े कारण हैं। पहला कारण, आज मौसम में थोड़ी ठंडी है। जहाँ इस समय यहाँ पे चिलचिलाती धूप होती थी, कोई यहाँ पे खड़ा नहीं हो सकता था, लेकिन आज मौसम बहुत ही सुहावना है। और दूसरा जो सबसे बड़ा कारण है कि आज देश के गृह मंत्री राजनाथ सिंह जी ने यहाँ से अपना लोकसभा उम्मीदवार के तौर पर पर्चा भरा है। कई चीज़ें हैं, लेकिन कुछ चीज़ें हम आपसे ज़रूर करना चाहेंगे। सबसे पहली बात कि ये इलेक्शन कमीशन की गाइडलाइन हमको समझ में नहीं आती, क्योंकि इलेक्शन कमीशन बोलता कुछ है, उसकी गाइडलाइन कुछ दिखती है। और उसका अभी मैं आपको सबसे जीता जागता उदाहरण दिखाऊंगा। दूसरी चीज़ कि इलेक्शन कमीशन जब नाम लो तो कुछ नाम आज तो बिल्कुल जबान पे आ जाते हैं, जिनमें योगी आदित्यनाथ, बहन कुमारी मायावती जी, आजम खां जैसे कुछ नेताओं पे इलेक्शन कमीशन ने कुछ घंटे, किसी को 72 घंटे, किसी को 24 घंटे का बैन किया है उनके भाषण पर। ये अलग बात है कि योगी आदित्यनाथ अभी हाल ही में हमारे पास खबर आई थी कि कहीं हनुमान चालीसा पढ़ रहे हैं। तो सबसे बड़ी बात कि यहाँ पे लोगों को इनकी गाइडलाइन समझ में नहीं आती। एक गाइडलाइन के बारे में और आप जानते होंगे कि जब चुनाव आचार संहिता लागू हो जाती है तो कोई भी नेता अपना बैनर या पोस्टर या कोई किसी भी प्रकार का प्रचार नहीं कर सकता। हम आपको दिखाते हैं, हम कैमरामैन से चाहेंगे कि ये पीछे हमारी एक तस्वीर है। अंतरिक्ष में भारत को विश्व की महाशक्ति की पहचान, फिर एक बार मोदी सरकार। आप देख सकते हैं ये सीधे ये नगर निगम का पोल है और जिस पे पेड बैनर पोस्टर लगते हैं। अगर आचार संहिता में प्रचार नहीं करना चाहिए तो ये बोर्ड और होल्डिंग ये मोदी जी की क्यों? क्या इसलिए कि आज गृहमंत्री राजनाथ सिंह जी का यहाँ से निर्वाचन करना, या फिर कुछ और, या फिर वास्तव में जैसा लोग आरोप लगाते हैं कि अधिकारी से लेके सब कुछ सब पे दबाव है बीजेपी का। मैं आपको दिखा दूं कि इधर जो है पुलिस चौकी है, मैं कैमरामैन चाहूँगा ये देखिए, इधर पुलिस चौकी है और यहाँ से महज 300 मीटर की दूरी पर अलीगंज थाना पड़ता है और ठीक 400 मीटर की दूरी पर यहाँ पे लखनऊ नगर निगम का ऑफिस है जहाँ पे बड़े बड़े अधिकारी बैठे हैं। अभी हम चलेंगे, उनसे बात करेंगे, कोशिश करेंगे जानना कि आखिरकार क्यों चुनाव आचार संहिता की धज्जियाँ उड़ाई जा रही है। तो कहीं ना कहीं ये बैनर, ये जो मोदी जी की होर्डिंग लगी है, एक बार मैं फिर से चाहूँगा कैमरामैन हमारे दिखा दूँ, ये मेन कपूरथले थला चौराहे पे और नगर निगम के पोल पे लगी है। कहीं ना कहीं इस खूबसूरत मौसम में ये एक गर्मी का काम करनी चाहिए। और ये होर्डिंग हम देखते हैं कब तक उतरेगी, क्योंकि अभी हमारे रिपोर्टर ने टेढ़ी पुलिया चौराहे पर एक ऐसी ही होर्डिंग लगी थी, उसकी फ़ोटो खींचा था, तो उसके ठीक 20 मिनट बाद वहाँ से होर्डिंग नगर निगम वाले हटा लिए। सबसे बड़ी बात कि यहाँ पे देश की जनता को एक वास्तव में गाइडलाइन जारी करनी चाहिए निर्वाचन आयोग को, जो कि वास्तव में जो आचार संहिता लागू होती है वो किस किस फील्ड में कैसे वर्क करती है। हमें जहाँ तक जानकारी है कि जो है जब भी आचार संहिता लागू हो तो उस वक्त कोई नेता अपना प्रचार प्रसार नहीं कर सकता, लेकिन ये आपके सामने एक जीता जागता उदाहरण है। और आपकी जानकारी के लिए बता दूं कि ये कोई एक उदाहरण नहीं है, आपको इसी लखनऊ शहर में मैं ऐसे हजारों उदाहरण दे दूंगा। ये बात सिर्फ बीजेपी की नहीं है, और नेताओं की है, और नेताओं के बैनर होल्डिंग आप देखेंगे। इसका सबसे बड़ा कारण है कि इन पर कोई कठोर कार्रवाई नहीं होती है। अगर चुनाव आयोग इन पर एक बार कठोर कार्रवाई करके उसको एक नज़ीर पेश करनी चाहिए, जिससे किसी भी नेता को अपना बैनर पोस्टर जब चुनाव आचार संहिता लागू हो तो वो लगाने की हिम्मत ना कर सके। बहुत बहुत धन्यवाद, नमस्कार।